इस बीच हम सीधे रुख करेंगे अपनी सहयोगी श्वेता मिश्रा का, जो इस वक्त पूर्व सीएम अशोक गहलोत से खास बातचीत कर रही हैं। आईसीसी महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। अशोक जी, आज अहम दिन है, नामांकन आपने दाखिल किया है। अहम सवाल ये कि आप मुहूर्त, किस्मत, भाग्य पर कितना भरोसा करते हैं? मैं तो काम में विश्वास करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ बचपन से। सेवा हो जाए गरीबों की, आम जनता की, देश की, प्रदेश की, उसमें विश्वास करता हूँ, उसमें सब बातें आ जाती हैं। बिल्कुल, उसमें सब बातें आ जाती हैं। अहम सवाल ये भी कि आपका बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा है। अगर हम देखें, सांसद बन, 5 बार सांसद बना, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री प्रदेश का, क्या संतुष्ट हैं आप अब तक के राजनीतिक सफर से? क्योंकि कोई गॉडफादर भी आपका नहीं था, खुद बनाई है जमीन छात्र संघ चुनाव से लेकर। मैं संतुष्ट नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अति संतुष्ट हूँ। जो मुझे अवसर दिए पार्टी ने काम करने के, हाईकमांड ने, इंदिरा जी लगा करके अभी तक मुझे जो आशीर्वाद मिला, विश्वास किया मुझ पर, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूंजी है, इसलिए उसी रूप में मैं काम करता हूँ। लेकिन आज के परिदृश्य में देखें, जिस तरह से राजनीति को हम आज देखते हैं, आज युवा आ रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और आपका दौर अलग था जब आपने शुरुआत की थी, क्या ऐसे में मुमकिन है कि बिना गॉडफादर के भी युवा अपनी जमीन खुद बना सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं? क्या आज के परिप्रेक्ष्य में ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। राहुल गांधी के सोच यही है, युवाओं को, महिलाओं को आगे लाओ देश के अंदर, और देश को जोर थे उन लोगों की, उसी रूप में देश में राजनीति वो करना चाहते हैं। आप देखें, टिकटों के वक्त में भी कई लोग युवा आए हैं या महिलाएं आई है, तो उनकी हिम्मत ही है, उनका साहस है, उनका विश्वास है, इसलिए सब आए, बड़ा नहीं आते। बिल्कुल, और टिकटों का आपने जिक्र किया तो एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव देखने को मिला, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही थी युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, उनको तरजीह दी गई है अगर हम बीजेपी की लिस्ट को देखें उसके हिसाब से। लेकिन पैराशूटर्स को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, वो कहीं पर सार्थक होते नजर नहीं आए, कुछ सीट्स को अगर हम बात करें तो? देखिए, कांग्रेस पे ही कोई बात कहते हैं तो वो एक जनरल बात कहते हैं, भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा आप करो, पर चुनाव जीतने के लिए कई बार एक्सेप्शन करने पड़ते हैं, कुछ जगह एक्सेप्शन हुए होंगे, स्क्रीनिंग कमेटी किए होंगे और उनको मंजूर करना पड़ा होगा, पर बाय एंड लार्ज जो उनकी सोच थी उसको आधार बना के फैसले करने का प्रयास किया गया। लेकिन ज्यादातर चीजें वो थी जो उन्होंने बातें कही, 2 बार से ज्यादा हारे हैं, उन्हें वोट उन्हें नहीं दिया जाएगा, टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बीडी गल्ला के केस में बदलना पड़ा, तो क्या इसे दबाव की राजनीति माने, दबाव के चलते करना पड़ा थे या समर्थक नाराज थे इस वजह से इसमें बदलना पड़ा? बीडी गल्ला जी पीछे से पहन रहे हुए हैं, सीधे नेता थे, तो उस हिसाब से जो फीडबैक मिला होगा उसके हिसाब से उन्होंने फैसला किया है। यशपाल गहलोत अच्छा उम्मीदवार था, गोपाल गहलोत उसके पहले उम्मीदवार थे, वो भी अच्छे थे, पर जो युवाओं के हिसाब से यशपाल का जब नाम आगे आया और वो शिफ्ट हुए बी डी कल्ला जी के वहाँ पे, उसके बाद में जो फीडबैक मिला होगा दिल्ली में, उसके बाद में वापस फैसला हुआ और कल्ला जी को टिकट मिला, यशपाल गहलोत जी को वह मिल गया जहाँ पहले वो चाहते थे, और उसके बाद में जब जवाहर मिश्रा वो वहाँ शिफ्ट हो चुके थे, उनका टिकट कट गया, तो मिस्टर डोडी जी के जो स्थिति बनी अचानक ही, वो मीटिंग में बैठे हुए थे, मालूम पड़ा उनका टिकट कट गया, तो दोनों कैसे लड़ेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा भाई मैं कैसे इलेक्शन लड़ पाऊंगा, तो उसको लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब था कि मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊंगा, मतलब दोनों कैसे लड़ पाएंगे, इस रूप में उन्होंने ये बात कमेंट किया और वो मीडिया में आ गया, तो इश्यू बन गया। तो जो जवाहर को टिकट पहले मिला था वहीं पे वापस उनको शिफ्ट किया, तो जो जो मिस्टर यशपाल गहलोत थे जो गए वहाँ शिफ्ट हुए, वो फिर कहीं नहीं रहे टिकट, और ये स्थिति बनी वहाँ पर जो मैं, लेकिन उनका साथ है कांग्रेस में, सब साथ रहे वहाँ पे। देखिए, अभी 2 दिन छोड़ दीजिए, आज देश को और प्रदेश को कांग्रेस की जरूरत है, और हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता हर समझता है इस बात को कि हमने अति उत्साह में कई बार आदमी को रिएक्शन आता है, कई जगह खड़े हो गए होंगे, कई जगह कोई कॉमेंट कर दिया होगा,
अल्टीमेटली वो जानते हैं कि कुशासन का अंत हो रहा है, उसमें हमारी भागीदारी भी आवश्यक है, क्योंकि आज हालात बहुत गंभीर है। पिछली बार 163 सीटें मिली थी वसुंधरा जी को, ऐतिहासिक जीत थी, उसके बावजूद भी जो जनता की आशाएं अपेक्षाएं थी उसपे वसुंधरा जी ने लोगों को निराश किया। तो लोग कहते हमारा कसूर क्या था कि आपने इतने भारी बहुमत के मिलने के बावजूद भी आपने हमारे काम नहीं किए, ध्यान नहीं दिया, लापरवाही रखी, कानून व्यवस्था जैसे चौपट हो गई, विकास ठप हो गए, कानून व्यवस्था के साथ में आपका जो करप्शन बढ़ गया, सुनवाई की होती नहीं थी, न मंत्री न मुख्यमंत्री, तो ये माहौल मतलब ये स्थिति क्यों बनी, ये पूछ रही जनता है उनसे। मैं समझता हूँ कि इस बार कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव जिताएंगे, और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा इस बार चुनाव जनता वर्सेज वसुंधरा चुनाव है राजस्थान के, जनता वर्सेस वसुंधरा। लेकिन एक अहम बात है, केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, संबोधन जब आप लोग के होते हैं तो कुशासन की बात आप कर रहे हैं, प्रदेश में भी वही काम है, केंद्र में भी जनता परेशान है। अगर इस बार की विधानसभा चुनाव को देखा जाए, पिछली बार से इस बार आप कितना लग पाते हैं? और दूसरा अहम सवाल कि क्या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर बीजेपी जिस तरह से उसने काम किए हैं, नाराजगी आप लोग बोलते हैं जनता की है, उसकी वजह से कांग्रेस को फायदा होगा या जनता चाहती है कांग्रेस आए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसे देखते हुए कांग्रेस कैसे देखती है इस बात को? देखिए पिछली बार मोदी जी का नाम आ गया था अचानक ही, पहले वो बीजेपी के कैंपेन कमेटी चेयरमैन बने थे गोवा के अंदर मार्च 2013 के अंदर, और असेंबली चुनाव आते आते उनको घोषित कर दिया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जी। और कांग्रेस ने जो झूठे आरोप लगाए थे 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट पता नहीं क्या क्या कहा, और उसके हम कहाँ चले गए, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, बल्कि जो मिस्टर राजा को जेल में डाला था कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस मंत्री जेल गया है, उसको भी बड़ी बड़ी कर दिया कोर्ट ने, और कोलगेट में कुछ मिला ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कि जो झूठे आरोप लगा करके एक बार ऐसा माहौल बना दिया, जैसे कि मोदी जी तो वो बातें करने लग गए कि अगर वो आ गए प्रधानमंत्री बनके तो आकाश से तारे तोड़े जमीन पे ले आएंगे, ये माहौल बना दिया, और झूठ बोल के झूठे वादे करके ब्लैक मनी ले जाऊंगा मैं, 1 रुपये लेके आए क्या वो फिस बैंकों से, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार मिले लोगों को, ऊपर नोटबंदी से लोग कितने मारे गए, 100-150 लोग मारे गए थे। तो ये जो नोटबंदी राफेल का मामला एक के बाद एक आ रहे हैं, CBI के ऊपर छापा पुलिस द्वारा, ये पहले बार सुना हमने, CBI पुलिस भी छापे डालती है, इन्होंने पुलिस से छापा डलवा दिया CBI के ऑफिस के अंदर ही, हेडक्वार्टर पे भी, उसके डायरेक्टर CBI के घर पे भी, ये क्या तरीका है इसमें, इनकी सब संस्थाओं को बर्बाद करने में तुले हैं ये NDA गवर्नमेंट और मोदी जी। बिल्कुल। और प्रदेश की बात करें तो रिफाइनरी एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो लेकर आए आप, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा था कि जो गहलोत सरकार ने जो सौदा किया, जो डील हुई थी, वो घाटे का सौदा था और लेकर हम फायदे में लेकर, आज भी आपने जिक्र किया था जब आपका संबोधन था इस बात का। देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा पानी हमारा, तेल हमारा, बिजली हमारी, जमीन हमारी, और 26% भागीदारी क्यों रखी अशोक गहलोत ने, घाटे का सौदा है, 4 साल उन्होंने बर्बाद किए, नया काम एग्रीमेंट कर रहे हैं, और हमारा अग्रीमेंट किससे था, कोई प्राइवेट फर्म से नहीं था, भारत सरकार के साथ में था, उनकी कंपनी HPCL के साथ में था, तो सौदा किसके हो रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है, उसमें ये आरोप लगा के लोगों को गुमराह करने का क्या तुक था उनका, 4 साल में जितनी बन जाती। फिर प्रधानमंत्री को दोबारा बुलाया गया, कार्य शुभारंभ के अवसर बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 साल होने आया है, खाली दीवार खींची अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ, इतना बड़ा धोखा दिया राजस्थान जनता को, मेट्रो नहीं आई जयपुर में, सीतापुरा से आनी थी मेट्रो, वो पता नहीं उसका क्या हुआ, ब्रॉडगेज आनी थी आदिवासियों के अंदर, कोई पता नहीं उसका, बांध बनना था। आप ये कह रहे कि वादे और दावे बहुत किए गए थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन सरकार आने के बाद यहाँ पर कुछ किया नहीं गया। बिल्कुल कुछ किया ही नहीं, बल्कि रोक दिया हमारे कामों को, हमने कहा कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इनके कोई काम नहीं रोकेंगे। बिल्कुल। और ये अहम बात आपने कही कि जब आपने ये कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी हम इनके प्रोजेक्ट नहीं रोकेंगे, तो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि यानी गवर्नमेंट कांग्रेस ये मानती है कि प्रोजेक्ट हमारे अच्छे, योजनाएं हमारी अच्छी है, इसलिए वो नहीं रोक रही। ऐसी बेतुकी बातें तो वो कर सकते हैं, हमने कहा भैरवसिंह शेखावत साहब के वक्त में और उसके सरकार नहीं रही अभी 2008 के अंदर, तो हमने कोई इनकी स्कीमें नहीं रोकी, इन्होंने हमारी सभी स्कीमें रोक दी इन्होंने,
तो हमने कहा अभी जो काम चल रहा, सड़कें चल रहा, पानी का, बिजली और तो काम कुछ किए नहीं है, जो कर रहे हैं मान लीजिए सड़कें पानी बिजली तो कॉमन बात है, या कोई ऐसी कोई स्कीम चल रही है तो हम क्यों रोकेंगे उनको, पब्लिक इंटरेस्ट में हम कोई काम नहीं रोकेंगे। ठीक है। और अभी जैसे टिकटों का जिस तरह से बंटवारा हुआ, आपने एक अहम बात बोली कि एक दो दिन था हंगामा बहुत देखने को मिला, नाराजगी थी, कई पार्टी से इधर उधर भी हुए हैं, लेकिन अब मानवेंद्र को उतारने के बाद वसुंधरा राजे ने भी इस पर चुटकी ली। उनका कहना यही है कि इनके खुद के कोई कैंडिडेट नहीं थे और हाल में मानवेंद्र सामने आए हैं, कांग्रेस में शामिल हुए, इसलिए उनको खड़ा कर दिया। मानवेंद्र के पीछे की क्या रणनीति या फिर क्या सोचते हैं आप इस बात को लेकर या उनके झालरापाटन से लड़ने को? देखिए, वसुंधरा जी ने जो बेइज्जती की आपकी और जसवंत सिंह जी की, वो कभी मैंने सुना नहीं ऐसा कभी। दोनों लेके आए थे उनको राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री बनाया, उपराष्ट्रपति के तौर पर वसुंधरा जी ने कभी नहीं बुलाया भैरव सिंह जी को मुख्यमंत्री के रूप में, और इनका टिकट काट दिया। जो व्यक्ति देश का रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री रहे और गृह मंत्री रहे, उस व्यक्ति का टिकट काटने तो क्या था, टिकट काट के उसका वे आपने इतनी बेइज्जती करी कि आपने खुद ने फोन किया सब नेताओं को, कांग्रेस के मैंने उसको भी फोन कर दिया इनको हराओ। तो ये देश जानना चाहता है भाई कि ऐसा क्या कारण था कि आपने आपने उनको, देखो वित्त मंत्री रहे थे वो, रक्षा मंत्री रहे थे और विदेश मंत्री रहे थे, गृह मंत्री नहीं रहे थे वो, ठीक है, उनको फिर आपने टारगेट बनाया हराने का। तो आज तक जनता समझ नहीं पाई तो पूरे राजस्थान में, पूरे मारवाड़ में विशेष रूप से बहुत गुस्सा उनके प्रति कि आप ये राजनीति राजनीति क्यों की, आपने निम्न स्तरीय राजनीति क्यों की। वो व्यक्ति जो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर को मिला हो सकता था, तो आपने इस प्रकार से इनको क्यों टारगेट करके चुनाव हरवाया? तो वही नाराजगी थी मानवेंद्र की। ये तो एक बात हुई, जब वो बीजेपी से कांग्रेस में आए गए हैं तो हमने सोचा कि कम से कम एक चारा ऐसा हो जो वसुंधरा पूछे, भाई आप बताइए 10 साल मुख्यमंत्री काल में आपकी उपलब्धियां क्या रही है, आपका विजन क्या है। विजन तो वैसे वो जो हमारा वो खासाकोटी का चौराहा बना है ओवरब्रिज, वो वसुंधरा विजन दिखता है उसके अंदर बिल्कुल, और आपका आगे उपलब्धियां के साथ आप क्या कहना चाहते बताइए आप। कोई पूछने वाला उनको मिला वहां पर, उनके जवाब वसुंधरा जी देना पड़ेगा बिल्कुल, और इसलिए कांग्रेस की चॉइस यहां पर मानवेंद्र थी। लेकिन एक अहम सवाल आपको राज्य की हम बात करें, छात्र से जैसे हमने पहले कहा कि छात्र संघ से चुनाव से लेकर यहां इस मुकाम तक आप पहुंचे और आप संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट है अपने राजनीतिक सफर से, अब तक के अपने करियर से, लेकिन केंद्र में भी आपकी उतनी ही आवश्यकता है। जिस तरह से हमने देखा गुजरात के चुनाव की बात करें, कर्नाटक के चुनाव की बात करें, एक अहम भूमिका आपने निभाई और टफ कॉम्पिटिशन वहां पर भी दिया। अब एक बात आपने कही थी कि मैं था सो दूर कोनी, यानी कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं और प्रदेश के लोगों का जितना प्यार है अजूब, तो अगर केंद्र सरकार चाहे कि आप राज्य से अलग और अपनी मौजूदगी निभाइए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, या वाकई आपको राजस्थान से कोई दूर नहीं कर सकता? देखिए, राजस्थान से दूर तो कोई जिंदगी में कह ही नहीं सकता, चाहे किसी पद पे रहूं अलग बात है, क्योंकि इतना मुझे आज भी प्रदेश के अंदर हर गाँव में, हर ढाणी के अंदर हर व्यक्ति जो है जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रहा है, जिस प्रकार मेरे प्रति भावना प्रकट कर रहा है, विश्वास प्रकट कर रहा है, ये बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद भी है, प्यार भी है, स्नेह भी है, विश्वास भी है जी। तो जब इतना प्यार मुझे तो ऐसे मुख्यमंत्री भी नहीं मिला होगा, तो अगर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मिला हो और आज मिल रहा है तो कुछ कारण हुए होंगे। तो मैं दिल में ये भाव रखूंगा कि भाई इस जनता को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, मैं कहीं रहूंगा तो मैं जनता की सेवा करूंगा बिल्कुल। और विधानसभा चुनाव में आप हैं ही हैं, सरदारपुरा से आप लड़ भी रहे हैं, और कांग्रेस की हालांकि नीति रही है कि कभी सीएम का चेहरा सामने नहीं लाया गया है, और बीजेपी इस मुद्दे को बार बार लाती है कि सीएम का कोई फेस नहीं है, कौन सीएम है, क्या है, ज्यादातर लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन आप क्या अपने आप को इस रेस में देखते हैं या इसको लेकर? सवाल तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, वो कहते हैं खाली बीजेपी को कहने कुछ है नहीं उनके पास में, पूरी तरह नकारा सरकार थी, वो इतने वो ध्यान डाइवर्ट करने की बातें उठाते हैं। उनको पूछो 75 डेज तक आप अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री बनना तो पब्लिक के हाथ में है, जिसको पब्लिक चाहेगी, जिसको पार्टी चाहेगी, जिसको विधायक चाहेगी वो बनेगा, पर पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष तो बन सकता था
टेलीफोन के ऊपर आदेश आ सकते थे, 75 डेज तक क्यों नहीं आए? तो हम उनसे पूछना चाहता कि आप ये बताइए कि आपकी स्थिति क्यों ऐसी बनी। और फिर जिसको लेके आए आप वो मदन उनको सैनी जी को, उनका आप मान नहीं रही हो, साथ रखा नहीं आपने उनको, वो परिणामी जी और वसुंधरा चल रही साथ साथ में, तो इसका क्या कारण है? उनकी बेइज्जती हो रही है उनकी। तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कांग्रेस बात छोड़ो, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी आपको अधिकार नहीं पूछने का। बीजेपी को क्या अधिकार है पूछे कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक नई बात लेके आए, बड़ी अजीब बात है कि वो पूछ रहे हैं आपके मुख्यमंत्री कौन बने, आप कौन होते हो? इसका मतलब आप मान गए मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही बनेगा, इसका मतलब ये हो गया। इसलिए दिमाग में रखें कि कांग्रेस में, मैंने पहले कई बार कहा है, चुनाव के बाद में हमारे विधायक, प्रदेश की जनता क्या चाहती है, हाईकमान सबसे विचार विमर्श करके तय करेगा और उसको सब स्वीकार करेंगे। हमारे यहाँ एक बड़ी बड़ी खासियत है कांग्रेस में, जब कांग्रेस अध्यक्ष कोई आदेश दे देते हैं या फैसला सुनाते हैं, तमाम लोग मिलकर के उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फैसले को समर्थन देते हैं। और क्योंकि नामांकन दाखिल हो गया, तमाम अहम मुद्दों को लेकर आपने बात भी की है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अब अशोक गहलोत का लक्ष्य क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर? कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? कितनी सीट आपको लगती है कि आएगी? और आप बीजेपी को जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, भंवर जितेंद्र सिंह ने तो कह दिया कि 20-30 सीट से ज्यादा बीजेपी को आनेंगे, आप क्या मानते हैं इन चुनाव को लेकर, परिणाम को लेकर? देखिए, अमित शाह जी ने कहा था 180 सीट हमारा मिशन है, तो मिशन की बात उनको करने दो। हमारा, मेरा लक्ष्य, तमाम कांग्रेस नेताओं का लक्ष्य और कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है, 22 तारीख की शाम को यही बनेगा कि किसी भी कीमत पर हम लोग इतनी मेहनत करें, लोग दिल जीते हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर, और सरकार कांग्रेस की बने, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होगा। तो बेहद ही अहम और खट्टे मीठे कह सकते हैं सवालों के जवाब यहाँ पर अशोक गहलोत जी ने दिए हैं। और खासतौर से कहना यही है कि बीजेपी हो लगातार कितने भी आरोप लगाती रहे, गतिरोध की बात कांग्रेस के लिए करती रहे, लेकिन यहाँ पर सब एक साथ है। और जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, तो जो आलाकमान तय करेगा, जो विधायक यहां पर तय करेंगे, जिसका चेहरा वो चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन यह तय है कि कांग्रेस की सरकार की यहां पर वापसी हो रही है और इसे लेकर आश्वस्त हैं अशोक गहलोत जी। चलिए, जोधपुर से कैमरा पर्सन विनोद के साथ श्वेता मिश्रा।